इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आप डिस्कॉर्ड में कैसे अच्छे से म्यूजिक बोर्ड को सेटअप कर सकते हैं। हम लोग मेनली दो बोर्ड को यहाँ पे प्रायोरिटी देंगे, जो कि है रिदम एंड हाइड्रा। हमारा मेन बोर्ड यहाँ पे होने वाला है हाइड्रा, और एक और बोर्ड को मैं मेंशन करना चाहूँगा जो कि है ग्रूवी। वो अगर आप प्रीमियम लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा बोर्ड होने वाला है। तो मैं यहाँ पे रिदम और हाइड्रा का सेटिंग्स दिखाने वाला हूँ। एज यू कैन सी मेरे सर्वर में, मेरे जो मेन सर्वर है वहाँ पे रिदम ऑलरेडी सेटअप है, और यहाँ पे इसका रीनेम किया गया है सस्ता स्पॉटिफाई। ये जो है ये बोर्ड है हाइड्रा बोर्ड अपना। यहाँ पे एज यू कैन सी ये हाइड्रा बोर्ड है और ये रिदम बोर्ड है। आप इनको रीनेम कर सकते हैं राइट क्लिक करके, यहाँ पे रीनेम ऑप्शन आपको आ जाएगा चेंज यूजर नेम करके। तो मैं यहाँ पे एक टेस्ट सर्वर खोल रखा है। एज यू कैन सी मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था कैसे आप विदाउट नाइट्रो इमोजीज को, एनिमेटेड गिफ्स को सेट कर सकते हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है और अगर आप इंटरेस्टेड हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से चेकआउट कर लेना। तो इसके लिए मैं अपने टेस्ट सर्वर में पहले हाइड्रा को इन्वाइट करूँगा। हाइड्रा का लिंक पे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे ऐड टू सर्वर सिलेक्ट टेस्ट सर्वर कर लिया, यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। ऑथराइजेशन ऑथोराइज कर दिया मैंने, और यहाँ पे मुझे एक कैप्चा वेरीफाई करना पड़ेगा। होपफुली अभी हाइड्रा सेटअप हो चुका है। हाइड्रा आ गया है, और मैं रिदम को भी ऐड टू डिस्कॉर्ड कर लूँगा। रिदम का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मैं यहाँ पे टेस्ट सर्वर सिलेक्ट कर लेता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ, ऑथोराइज कर देता हूँ, और यहाँ पे मैंने कब्जा कर लिया है, और शायद से अभी अपना रिदम भी आ चुका है। तो रिदम बोर्ड के लिए आप अलग से एक चैनल बना सकते हैं, मैं जनरल में ही ट्राई करूँगा। तो अभी मैं अपने टेक्स्ट चैनल में यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ पिंग। तो ये रिदम बोर्ड शो करेगा कि मेरा कितना पिंग है और कितना फास्ट ये गाना प्ले कर सकता है। तो मैं जो रिदम बोर्ड के सारे जो कमांड्स हैं मैं स्क्रीन में दे दूंगा। अभी मुझे जाना पड़ेगा किसी ना किसी वॉइस चैनल पे। उसके बाद आपको टाइप करना है एक्सक्लेमेशन मार्क, उसके बाद पी या फिर प्ले भी लिख सकते हैं आप, और किसी भी गाने का नाम दे दें। मैं यहाँ पे NCS लिख रहा हूँ। तो ये अभी यहाँ पे बॉट ने ज्वाइन कर लिया है और गाना भी बजने लगा है। किसी भी गाने को पॉज करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा एक्सक्लेमेशन मार्क, उसके बाद पॉज लिखना है, जिससे कि वो गाना पॉज हो जाएगा। अभी रिदम के आप बेसिक सेटिंग्स जान चुके हैं, अभी हाइड्रा को सेटअप करने की बारी है। हाइड्रा के चैनल्स को सेटअप करने के लिए आपको डॉट सेटअप लिख के एंटर दबाना है। डॉट सेटअप लिखने के बाद आपका एक हाइड्रा सॉन्ग रिक्वेस्ट का एक चैनल आ जाएगा, जहाँ पे अगर आप जाके देख सकते हैं ये बहुत ही कूल दिखता है, और इसको आप चेंज कर सकते हैं। मैं जैसे इसको चेंज निकनेम करके मेक श्योर कि बॉट का नाम जो भी है आप सॉन्ग रिक्वेस्ट चैनल का नाम वही रखें, जिससे कि लोगों को लोकेट करने में ईजी होगा। और आप यहाँ पर इमोजीज वगैरह भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा NCS। तो जब भी मैं NCS लिखता हूँ तो मेरा ये गाना अभी लिस्ट चालू हो गया। तो मैं चाहूँगा तो यहाँ से पॉज कर सकता हूँ, यहाँ पे गाना एंड कर सकता हूँ, इसमें नेक्स्ट जो सॉन्ग है उसको मैं प्ले कर सकता हूँ, इसमें रिपीट कर सकता हूँ, इसमें शफल कर सकता हूँ, इसमें ऐड टू फेवरेट कर सकता हूँ, और यहाँ से मैं गाने को शायद से काट सकता हूँ। ये वाला मैंने कभी ट्राई करके देखा नहीं है भाई। तो ऐसे आप लोग रिदम और स्पॉटिफाई को प्ले कर सकते हैं। इन म्यूजिक बॉट्स के लिए कुछ अलग रोल्स हैं, सेटिंग्स हैं, सेटअप्स हैं, जो कि मैं आगे आने वाले वीडियोज़ में लेके आने वाला हूँ। तो इन वीडियोज़ के लिए बने रहिए।